प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज प्रदेश दौरे पर रहेंगे। अमित शाह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत ऊना मेला ग्राउंड और कांगड़ा पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान अमित शाह हमीरपुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह की रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और रैली के सफल आयोजन को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमित। जी अमित, स्टार प्रचारकों का प्रदेश में आना शुरू हो गया है। पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आज अमित शाह आ रहे हैं, ऊना में कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कब तक उनका आने का प्लान है और किस तरह की तैयारियां चल रही है? जी बिल्कुल, वरना आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उसी तरह से अब चुनाव प्रचार भी जो है वो लगातार गति पकड़ता जा रहा है। बात की जाए स्टार प्रचारकों की तो दोनों ही राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अब हिमाचल का रुख कर चुके हैं और जिस तरह से पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जिला ऊना के चिंतपुर्णी विधानसभा क्षेत्र में एक विजय संकल्प रैली जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि विजय संकल्प रैली के चलते ही वो यहाँ पर जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है उनके पक्ष में तो यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे ही। वही जिला ऊना में होने वाले दो विधानसभा के उपचुनाव कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र और गगरेट विधानसभा क्षेत्र, इनके जो भाजपा प्रत्याशी है उनके पक्ष में भी यहाँ पर वो जो है वो यहाँ पर प्रचार करेंगे और जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको जो है वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। जी वर्मा, बिल्कुल अमित, क्या लग रहा है स्टार प्रचारकों के आने से कितना बल मिलेगा प्रत्याशियों को अपनी जीत सुनिश्चित करने में? जी बिल्कुल, वरना कहीं ना कहीं जब स्टार प्रचारक जो है वो हिमाचल में या कहीं भी जाते हैं तो वो एक जो अपनी बात होती है, जो उनके मुद्दे होते हैं उनको जनता के बीच रखते हैं और जनता कहीं ना कहीं इन मुद्दों से प्रभावित होकर ही जो अपने मत का अधिकार है, जो मत का प्रयोग है, वो अपने मत का प्रयोग इनके जो बातें होती है, जो मुद्दे हैं, जो विषय है, जो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो जिस तरह से भाजपा लगातार दावा कर रही है कि 10 सालों में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत विकास किया है, उस विकास के नाम पर वो जो जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो वो जुम्मा जो 14 माह हुए हैं प्रदेश की कांग्रेस सरकार को, उसके विकास के दम पर यहाँ जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार दोनों ही राजनीतिक दल जनता तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है और 4 जून को इनके जो भाग्य है उनका फैसला जो है वो जनता के सामने होगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित।